बीत गए भजन बिना रे, भजन बिना I'm not afraid.
बाल अवस्था खेल गवाई और जब जौवन तब मान घनारे बीत गए दिन भजन बिना। मानव जीवन के द्वारा एक अवसर मिला था कहत कबीर सुनो भाई साधो पार उतर गए संत जनारे, क्योंकि उन्होंने जिंदगी का महत्व समझा। जो जिंदगी का महत्व नहीं समझते वही जिंदगी को तुच्छ चीजों के लिए निछावर कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि ये सारी बातें बड़ी तुच्छ है। संपत्ति सत्ता कीर्ति बड़ाई कितनी तुच्छ तुच्छ बातों पर हमने मूल्यवान जिंदगी को निछावर कर दिया। और इनमें से कुछ भी साथ तो चलता नहीं। संत ये समझे हैं इसलिए कबीर कहते हैं, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, पार उतर गए संत जना अजहुन गई मन की तृष्णा रे, जिंदगी की सांझ ढल गई लेकिन मेरे मन की तृष्णा नहीं मिटी। और श्रीमद् भागवत में अंत समय में सामने आकर के खड़े हुए द्वारकाधीश श्री कृष्ण की ओर देखते हुए बाणशैया पर सोए हुए पितामह भीष्म कहते हैं, आज मेरी मति तृष्णा से रहित हो गई है और इस तृष्णा रहित मति को हे नंदनंदन मैं आपके प्रति समर्पित करता हूं। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुंगवे विभुम्नि स्वसुखम पगते क्वचित विहरतुं प्रकृति मुपे युषियत भव प्रवाह। शांति तो अंत में तब है, मुक्ति तो तब है जब ये तृष्णा मिट जाए, लेकिन जीवन के अंत समय में क्या बेवकूफी करी हमने। ये जब 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 बैलेंस शीट टैली करते हैं, बैलेंस शीट निकालते हैं तो पता चलता है हम कहां खड़े, तब पता चलता है। लाहे का कृष्ण।
पछतावा रह जाता है अंत में, और पछतावा भी रह जाए तो भाग्य तुम्हारा, क्योंकि तब कम से कम समझ में तो आया कि गलती कहां करी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिंदगी की अंतिम सांस लेने तक भी आदमी को एहसास नहीं होता अपनी गलती का। हमने क्या बेवकूफी करी है हम समझ नहीं पाते, और फिर चक्कर चलता रहता है, यही चक्कर चलता रहता है, दुखी होते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम।